कार्तिक मास दिवाली 2023 सोमवती अमावस्या महासयोग 12 या 13 नवंबर आज जरूर करें ये एक काम। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2023 में कार्तिक माह में पड़ रही सोमवती अमावस्या कब है, दिवाली कब मनाई जाएगी, पूजा व स्नान दान मुहूर्त, पूजा विधि और सोमवती अमावस्या के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या सबसे खास अमावस्या मानी जाती है। जब कोई अमावस्या सोमवार के दिन पड़े तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन महिलाएं सौभाग्य प्राप्ति के लिए व्रत उपवास करती हैं। इस दिन पीपल के पेड़, भगवान विष्णु और शिव पार्वती पूजन से मनोकामना पूरी होती है। साल 2023 में कार्तिक मास की अमावस्या के दिन साल की अंतिम सोमवती अमावस्या का संयोग बन रहा है। आइए जानते हैं साल 2023 की अंतिम सोमवती अमावस्या सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, दिवाली कब है और सोमवती अमावस्या पर किए जाने वाले उपाय क्या हैं। कार्तिक अमावस्या शुभ मुहूर्त 2023। साल 2023 में कार्तिक अमावस्या 13 नवंबर सोमवार को है या सोमवती अमावस्या होगी। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 12 नवंबर दोपहर 2:44 पर। अमावस्या तिथि समाप्त होगी 13 नवंबर दोपहर 2:56 पर। पूजा पर शुभ मुहूर्त होगा 13 नवंबर प्रातःकाल 11:44 से दोपहर 12:27 तक। स्नान दान का समय होगा 13 नवंबर प्रातःकाल 4:56 से प्रातःकाल 5:59। दिवाली कब है 2023। दीपावली का पर्व कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन शाम के समय लक्ष्मी पूजन किया जाता है, लेकिन इस बार अमावस्या तिथि 13 नवंबर को दोपहर में समाप्त हो रही है, जिस कारण दिवाली का पर्व 12 नवंबर रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:29 से रात्रि 8:08 तक का होगा। सोमवती अमावस्या शुभ संयोग 2023। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक अमावस्या सोमवार को होने से ये सोमवती अमावस्या होगी। साथ ही इस दिन 3 शुभ योग, सौभाग्य योग, शोभन योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं, जो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इन योगों में किए गए कार्य सफल होते हैं। सोमवती अमावस्या पूजा विधि। सोमवती अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें। इस दिन गंगा जी में स्नान का महत्व है, इसलिए संभव हो तो गंगा जी में स्नान करें, नहीं तो घर पर स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ दें। आज के दिन शिव पार्वती, भगवान विष्णु और पीपल वृक्ष की पूजा कर पूजा के बाद अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करना चाहिए। सोमवती अमावस्या उपाय। ज्योतिष अनुसार साल के अंतिम सोमवती अमावस्या कार्तिक मास में पड़ रही है। कार्तिक अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है, ऐसे में इस दिन तुलसी और पीपल वृक्ष के नीचे दीप दान करें। अमावस्या के दिन प्रदोष काल में पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करना शुभ होता है। सोमवती अमावस्या के दिन अखंड सौभाग्य के लिए पीपल के पेड़ पर 108 बार कच्चा सूत लपेटते हुए परिक्रमा करें, इससे हर मनोकामना पूरी होती है। सोमवती अमावस्या के दिन गेहूं के आटे में थोड़ी सी चीनी मिला कर काली चींटियों को खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।